हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र के बाजितपुर गांव में। जी हां, ये गांव की पगडंडी है, मोटी सड़क है, कच्ची सड़क है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मल्ला निषाद समुदाय का गांव है और हम यहां इस गांव में करने आए हैं जन की बात। और बाजितपुर गांव के बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब हैं हमारे साथ। सब यहां पे अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनके साथ करते हैं जन की बात, इनसे जानते हैं ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, वो कौन से नेता हैं जिन्हें अपना सांसद चुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे ये किसे देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जन की बात बाजितपुर की जनता के साथ। ये बताइए कि आप लोग वोट डालिएगा तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? अपना मुकेश सहनी। मुकेश सहनी, मुकेश सहनी को क्यों? ना छाप, ना छाप। तो मुकेश सहनी को वोट क्यों देंगे? जाति की वजह से? जाति, जाति की वजह से। आपका वोट किसके साथ? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी के। आपका? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। ये बताइए कि मुकेश सहनी को क्यों वोट देना चाहते हैं आप? जात है, वंश है, बेचारा था, देम वोट। आपको लगता है कि अपनी जाति को वोट दीजिएगा तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे? हाँ, अच्छा करिए ना, वही से ना उनका वोट देवे। अच्छा, इससे पहले अजय निषाद थे तो सर, अजय निषाद ने कुछ काम नहीं किया है? कुछ ना किया है, कुछ ना, कुछ ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बताइए, आप बताइए, आपका वोट किसके साथ? नाव छाप, नाव छाप। मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी को क्यों वोट देना चाहते हैं? जात के वंश के चलते। जात के चलते। आप बताइए माता जी। मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी। यहाँ पे महिलाएं हैं, सब सबके सब, ये जो देख रहे हैं यहाँ, सब मुकेश सहनी के समर्थक हैं। और यहाँ हमारे साथ और कुछ लोग हैं, इनसे बात कर। ये बताइए कि आप जब वोट करने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना हमारा, और सबसे बड़ा लक्ष्य हम लोगों को आरक्षण बात मुद्दा। आज तक हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो बैकवर्ड, पिछड़े के पिछड़े रह गए। आज तक हमारे कोई भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर कोई भी आगे नहीं आया जो हमारे समाज को जगा सके। अगर पूरे बिहार के मलाह को, निशा समाज को अगर जगाने का काम किया है, आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया है, और निशा समाज को हक अधिकार अगर मांगने का काम किया है, तो पूरे बिहार का मलाह का बेटा सनप मलाह श्री मुकेश सहनी, और पूरा निषाद समाज, पूरे बिहार का निषाद समाज अपने मुकेश सहनी को नेता मान लिया है, और मुकेश सहनी राष्ट्रीय नेता होगा और उसके नेतृत्व में बिहार का सारा निषाद समाज आगे बढ़ेगा। जी, निषाद समुदाय के पहले भी बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, जैसे कैप्टन जय नारायण निषाद जो थे, बहुत बड़े नेता थे और कई बार वो लोकसभा गए। क्या वो आपके उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक अजय निषाद जी हमारे इस गांव में आप खड़े हैं, मीडिया को घुमा कर देख लीजिए, ये सारे के सारे निषाद समाज का घर है। आज तक इनके मुद्दा को उठाने का कभी उन्होंने काम नहीं किया। जजुआर पंचायत एक है कटरा में, उनको उन्होंने गोद लिया, आज तक वह पंचायत गोद में ही पल रहा है, बाहर नहीं उतरा है। आज तक हमारे निषाद समाज को कभी भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। आज तक सभी भूमिहीन घर है देख लीजिए, और ये सारे निषाद समाज है, इनके आगे बढ़ाने के लिए आज तक हमारे अजय निषाद जी हमारे टोला में आज तक घूम के तो आए नहीं किए। हम लोगों ने उनके पिताजी को भी सांसद बनाने का काम किया है और उनको भी सांसद बनाएंगे, लेकिन किस मुद्दे पर उनको अब हम सांसद बनाएं, जो आज तक हमारे निषाद समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। जो व्यक्तिगत हर जो भी लीडर है अपने समाज को आगे बढ़ा करके अपने नेता बना है, राष्ट्रीय नेता बना है। बताइए कि अजय निषाद भी आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, स्वाभाविक है, बिहार में या हर जगह जाति की राजनीति होती है, तो वो भी जाति के नाम पर आपसे वोट मांगे होंगे। तो आज जो आप कह रहे हैं कि हम मुकेश सहनी हमारे नेता बने हैं, तो
क्या लगता है कि ये आपके साथ छलावा नहीं करेंगे? बिल्कुल कहीं से नहीं, कहीं से कोई नहीं छलावा हमारे मुकेश जी में है। वो निस्वार्थ भावना से पूरे बिहार के निषाद समाज को एक करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है और पूरा निषाद समाज उनके कंधे को कंधा मिला करके आगे मजबूती से खड़ा है और हमारा निषाद समाज राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको मान रहा है। और सनपमला मुकेश सहनी जिंदाबाद, VIP पार्टी जिंदाबाद रहेगा, VIP पार्टी जिंदाबाद रहेगा। आपका वोट किसके साथ? हम लोग राजभूषण चौधरी जी निषाद जी के देंगे, जो नाव छाप है, जो मुकेश जी के पार्टी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये राजभूषण चौधरी को क्यों देना चाहते हैं वोट? हम इसलिए देना चाहते हैं कि हम लोगों का जात में जो हम लोग मलाह है, वो आज तक सहनी बहुत हुए लेकिन हम लोगों का ऊपर मुँह उठाने के लिए कोई काम नहीं किए, न कोई आवाज़ बोले। आज तक वोट देते गए लेकिन ये हम लोगों को जाति को ऊपर मुँह उठाने का काम किए हैं और पार्टी बनाए हैं, इसलिए इनको हम लोग वोट देंगे ताकि ऊपर में जाके अधिकार अपना खोजेंगे। मतलब इन्होंने जो पार्टी बनाई है VIP पार्टी, इस वजह से उम्मीद जगी है आपको कि जो हमारी पार्टी ये मतलब VIP पार्टी है वो आपके हक की लड़ाई लड़ेगी? जी, इसलिए हाँ, हक की लड़ाई लड़ेगी, हक की लड़ाई लड़ेगी। आप बताइए आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा, कौन नेता है जिसको आप वोट करेंगे? हम मुकेश सहनी के नाम पर भूषण खड़ा नाव छाप से उसको उनको वोट देंगे। राजभूषण चौधरी को वोट करेंगे मुकेश सहनी के नाम पे। ये बताइए अजय निषाद आपके बहुत पुराने नेता हैं। नहीं ठीक है, हमारा सके लिए कुछ न किया, कभी नहीं उसको जीने पर ओकरे वोट दिले जाओ भला भाई, कभी ना कुछ किया उसने। हम लोग हम की गुल है तो नाव छाप पर वोट देंगे मुकेश सहनी के नाम पर। ये बताइए कि मोदी जी 5 साल में कैसा काम किए? मोदी जी किया कुछ, हमारा सके लिए कुछ न किया, कुछ नहीं किया। हम लोग का है ना अच्छा पर वोट देंगे मुकेश सहनी, हमारे जात है, उनको नाम पर हम लोग सारा माला जो है एक तरफा वोट देंगे ना अच्छा पर। ये बताइए कि PM मोदी कहते हैं कि हमने देश में इतना विकास किया कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में करके दिखाया। जी जी जी, आज देश में इतना विकास हुआ है, जिन लोग गरीबी की भुखमरी की स्थिति आ गई है, भूखमरी की स्थिति आ गई है, देश में विकास के नाम पर मुद्दों पर वोट की राजनीति नहीं हो रही है, ये बिखरावे की राजनीति हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ावे की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे लीडर हुए हैं, आज तक कांग्रेस की भी तो सरकार थी, आज तक ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जो रोज की रोज सेना हमारी मर रही है। आखिर भारत का नौजवान, भारत के गरीब का बेटा भारतीय बॉर्डर पर आग जाकर मर रहा, वो नरेंद्र मोदी जी के घर के कोई सदस्य नहीं है? आज पूरे भारत देश के माता का कोख मतलब वहाँ वीर शहीद हो रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बतावे कि जिस दिन से गद्दी पर गए हैं कश्मीर में एक भी दिन लड़ाई शांति नहीं है, डेली बाय डेली लड़ाई हो रही है। जी जी जी, ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ? मुकेश सहनी के साथ। यहाँ सब मुकेश सहनी है? सब मुकेश सहनी है सर, सब मुकेश सहनी है, सारा मुकेश सहनी है, सारा ही मुकेश, पूरे मुकेश सहनी का हम लोग अपना पार्टी है, हमारा VIP पार्टी आया है, हम लोग पूरे एक एक निषाद भाई हम लोग मुकेश सहनी के वोट देने जा रहा है। तो मुकेश पूरा जो मुकेश पूरा निषाद समुदाय है, जो पूरे गाँव है, जो एक साथ है, पूरे एक साथ हम लोग है। हाँ, एक वोट नहीं जैसे पड़ेगा, जैसे उनको जो है पूरे मुकेश सहनी का वोट माने उनके पूरे मला हमारा जितना साली, एक वोट नहीं होगा, सारी वोट उनके पड़ेगा नैया छाप। ये जो बाजीपुर गांव है, इस गांव में सिर्फ निषाद समुदाय के लोग रहते हैं? हाँ, सारी जितना है सब निषाद लोग का है, ये सभी जो वोट उनका रहे है, एक फीस वोट उसको नहीं पड़ेगा, नाव छाप के पड़ेगा। हाँ, ये बताइए कि आप लोग मुकेश सहनी पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? हमारा पार्टी बनाया है और 25 साल निषाद जी का हम लोग जिताया, एक मला लोग के ताकने ने कहा जैसे कट नहीं किए, कहाँ हमारा मला है, हमारा पार्टी से मुकेश सहनी आया है, हमारा पूरे बिहार के मला के जैसे मुकेश सहनी जगाया है, हम लोग एक जैसे टंगड़ी पर हम लोग खड़ा हो गया निषाद लोग, एक एक वोट हम लोग निषाद जैसे इनको मुकेश सहनी का हम लोग देंगे नैया छाप पर। आप बताइए। जी, हम मुकेश सहनी को वोट देंगे, मेरे समाज के हैं, मेरे जाति के हैं, और इतने दिन से कोई ऐसा रैली नहीं हुआ है, और मेरे समाज के लिए, मेरे निषाद लोग के लिए 70 बरस में आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया मेरे समाज में, जाति मेरा, इसीलिए मैं मुकेश सहनी को वोट देना चाहता हूं, क्योंकि वही मेरे एक नेता है जो हम लोग उनके सहारे चलेंगे। ये बताइए कि
पिछली बार 2014 में आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था ना, पीएम को, नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया था। तो इस बार कहते कि जो ये संसदीय चुनाव होता है उसमें पीएम चुनने के लिए वोटिंग करते हैं लोग, केंद्र को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं, तो क्या आप को उन मुद्दे, वो सब मुद्दे प्रभावित नहीं करते? जी ना, तो हमारा यही कहना है, हमारा पार्टी से आया है, हमारा मलाह का कोई पूछ पाछ बिहार में कोई सरकार नहीं किया है, हमारा तीन गो मुकेश सहनी सीट लिया है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छा काम क्या किया है, गरीब के तो हत्या कर दिया, वो बड़े बड़े छः छः बीघा वाला के 6-6 हज़ार रुपया दे रहा है, गरीब को कैको रुपया दिया है, कैको रुपया सर दिया है, यहाँ गरीब जो एकता हो गया, बड़े आदमी उनके साथ है, गरीब जितना है सब उनके ये पार्टी में आ गया सर। हाँ यही बात है। वो तो कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, चाय बेचने वाले के बेटा हैं, और हमसे ज़्यादा गरीबों का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जी ना सर, वो जो ठगने के कट कर रहा है जनता से वोट लेने के, सब चकमा मार रहा है मोदी जी, बड़का का जैसे साथ दे रहा है, गरीब का कोई पूछपाछ नहीं मोदी जी कर रहा है। जी आप बताइए, क्या सचमुच मोदी जी वोट ठग रहे हैं? हाँ ठगिए रहा है, ठगिए रहा है। हम मुकेश सहनी जीतेगा तो हमारा सके नदी नाल में सब में पानी रहेगा, नाव पर घूमेंगे, नहाएंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे। हाँ पानी मुकेश जी कहाँ से ले आएंगे? वो बरसवाएगा, वो अजय निषाद तो सुखवा दिया, जिस दिन से वो जीता उसी दिन से सूखा पड़ गया, सब गेहूँ मकई सब जड़ गया। गेहूँ तो हम देख रहे हैं, हाँ सब पूरा गरीब आदमी मर रहा है। ऐसे मुकेश सहनी जीतेगा ना छाप से तो नाव देगा, बाढ़ आता है तो साला 70 जहाँ सूखा हुआ नैया भेज देता है, हमारा सके कुछ न बान का तुम्हें एक बाँध टूट गया था तो हम लोग भागे इधर, नाव का कोई व्यवस्था ना, अब तो नाव छाप है तो नाव के देंगे, नाव देगा हमको मुकेश जी, नाव भी भेज देंगे। बिल्कुल हाँ, नाव भेजबे करेगा, नाव भेजेगा थोड़ी, नाव छाप जिंदा है। और हमारे जात वंश का वो भगवान बन के आया हुआ है, इस कारण हमारे मलाह जितने बिहार के है सो उनके बाद से अपना जो है से नाव छाप पर सभी वोट देगा निषाद भाई। आप लोग का वोट किसके साथ है? मुकेश सहनी जिंदाबाद। ये है बाजीपुर की जनता की आवाज जो नारे लगाकर यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ का वोट मुकेश सहनी के पक्ष में जाएगा। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बाजीपुर। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।